राम राम जी सभी को, और गुड आफ्टरनून जी सभी को। अभी 12 बज चुके हैं और मैं भी नहाकर आई हूँ। मंगलसूत्र नहीं पहना क्या? भूल गई, अभी पहन लेते हैं। अभी नहाकर मतलब अभी तो नहीं, नहाकर आ गई थी मैं 11 बजे। 11 बजे नहा करके खाली गला ना अच्छा नहीं लगता है, और एक सुहागिन स्त्री को अपना गला खाली रखना भी नहीं चाहिए। गले में चाहे काला धागा ही डाल लो, लेकिन पहन कर रखना चाहिए। तो हम तो डाल लेते हैं अपना मंगलसूत्र, जो कि आजकल मैं हर रोज़ ही पहनती हूँ। तो मतलब मैं आटा लगाया, लाइट नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा रूम में गर्मी होगी तो इसलिए मैं आटा लगाने लग गई किचन में। बर्तन वगैरह साफ़ करे हुए थे टोकरे में, तो वो जचाए मैंने उनको उनकी जगह पे, और फिर लाइट आई तो फिर मैं आई थी रूम में। फिर मैं 2 मिनट फ़ोन ऐसे ही चेक करने लग गई, और नेल पेंट देखो उतर गया। काम करते हैं ना, काम करते हैं तो फिर उतर जाता है। कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बर्तन भी साफ़ करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा ऐसे उतर जाते हैं। मेहंदी भी देखो ऐसी हो गई है, ये भी उतर सी गई है। अभी बहुत सारे कपड़े धोकर आई हूँ। राखी देखिए मेरी, चूड़ा राखी जो थी वो मैंने हटा दी है, क्योंकि ना वो ऐसे लटकती है फिर काम नहीं करने देती है, तो इसलिए वो तो मैंने रख दी है खोल करके, और ये ऐसे बंधी रहेगी हाथ पे। तो बस अभी साड़ी पहनने वाली थी मैं, फिर मैं लेट गई तो 12:15 बज गए। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं पहनूंगी साड़ी, क्योंकि फिर टाइम लग जाता, और भी रोटी बनानी है मुझे अभी। और फिर मैंने सूट ही पहन लिया, और ये वाला सूट ना मैंने बहुत दिन से पहना है, आज काफ़ी दिन से, मतलब पिछला ये टाइम था ना जून जुलाई का, इसी टाइम पे पहना था, और अब पहना है जा करके पूरे 1 साल से ही ये वाला सूट, और रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। वैसे भी ये गर्मियों के लायक ये पतला पतला था, तो फिर मैंने कहा चलो आज ये वाला सूट पहनती हूँ। साड़ी मैंने एक बार निकाली थी, वापस रख दी अलमारी में, मैंने कहा कल पहनूंगी साड़ी, आज नहीं पहनूंगी। और आज शनिवार है, 2 तारीख है, 2 सितंबर। और बस अभी सब्जी तो मैंने बना रखी आलू छोले की, सुबह ही बना ली थी, बच्चे स्कूल गए ना तो उन्होंने बोला आलू छोले की सब्ज़ी देना आज टिफिन में, तो जब ही बना दी थी मैंने सुबह ही, छोले रात भिगो ही दिए थे तो बना दी थी, इसलिए तो अभी मैं आटा भी उसने आई हूँ, अभी रोटी बनानी है बस। तो पतिदेव जी गए हुए हैं बाहर, तो मैं सोच रही थी वो आ जाते जब भी मैं बना लेती, ताकि वो गरम गरम खा लेते, लेकिन पता नहीं कहाँ गए हैं, फ़ोन करके ही बुलाना पड़ेगा उनको। तो अभी चलिए अभी बना लेती हूँ रोटियाँ, और बाद में मिलूँगी आपसे, ठीक है जी। सब्जी दिखा देती हूँ मैं आपको, बस लाइट गई। गाइज शाम का टाइम हो गया है, शाम के 7 बजने को आए, 2-4 मिनट ही होंगे, बहुत मच्छर हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और लाइट करती है बहुत परेशान। और अभी ना मैं टंकी भर रही थी इधर, ये मोटर चला रखी थी ऊपर वाली टंकी भरने के लिए, कहाँ गई रे टंकी हो रही, तो पानी बिखर गया था। देखिए यहाँ भाग कर आई हूँ, क्योंकि हमारे पानी आ ही नहीं रहा है, पूरा खाली पड़ा है पानी, ये टैंक बना रखे हैं ना पानी के, खाली पड़े हैं, आपको दिखाती हूँ, देखें खाली पड़े हैं, आता ही नहीं पानी, आता है उस टाइम पे लाइट चली जाती, लाइट बहुत परेशान करी आजकल। देखिए दिखाती हूँ आपको, देखो खाली पड़ा है ना, खाली पड़ा है, और वो दूसरा वाला भी है, वो उसमें तो है काम चलाऊ पानी। अभी 2-4 दिन पहले तो टैंक गिरवाया था हमने पानी का टैंकर, क्योंकि पानी था ही नहीं, खाली हो रहा था। और हमारे पेड़ दिखाऊं आपको, देखो ये तो वो है मीठा नीमड़ा जो बोलते हैं, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, ये तो मीठा नीम है जो कड़ी पत्ता बोलते हैं ना, वो वाला है, कड़ी पत्ता सब्जी में डालते हैं, मतलब ये है केले का पेड़, केली बोलते हैं इसको शायद, केली, केली का पेड़ है, और ये इसका मुझे पता नहीं ये काई का पेड़ है, और ये भी कड़ी पत्ते का ही पेड़ है, और एक ये है लंबा लंबा सा पता नहीं काई का पेड़ है, ये देखिए कितना लंबा हो रहा है, देखो देखो कितना ऊंचा हो गया,
देखो छोटा सा लगाया था, और ये है तुलसी मैया, और वहाँ पे हमारे पितर देवता जी हैं, और यहाँ पे भी कोई, ये मरवे का पेड़ है, और ये मक्का मक्का है, ये तुलसी मैया ही है, ये अमरूद का पेड़ है, और वो उधर भी पता नहीं ऐसे ही एक तो मनी प्लांट है और एक ऐसे ही लग रहा है। और मैं बाहर बैठी थी, अभी सब्जी कट कर रही थी। ये है जामुन का पेड़, और ये है गुलाब का पेड़, और वो कड़ा नीम बोलते हैं ना वो वाला पेड़, और ये जाटी है। और मैं ना सब्जी कट कर रही थी अभी, क्या लहसुन कट किया है मैंने, और फली कर रही थी, बीच में टंकी भर गई तो मैं उठ गई, फिर टंकी भर गई थी पानी की, तो मैं मोटर करने के लिए बंद करने के लिए भाग के उठ कर गई थी, और भाग कर उठ कर गई इतनी देर में यसु के दोस्त का फ़ोन भी बज रहा था अंदर, फ़ोन मैंने चार्ज पे रखा हुआ था, मच्छर ने काट लिया मुझे इतनी देर में ही, क्योंकि टंकी खाली पड़ी थी, और वो टंकी ना फिर ध्यान देना पड़ता है क्योंकि फिर पानी डुलता रहता है और पानी आ नहीं रहा, पानी की बहुत समस्या हो रही है, और लाइट ने भी बहुत परेशान कर रखा है, अभी भी जाने का टाइम हो रहा है, इस टाइम पे भी डेली जाती लाइट तो बहुत परेशान करती है लाइट, तो मैं सोच रही हूँ लाइट है तब तक मैं कड़ी छोंक दूँ, मैं कड़ी बनाऊँगी अभी फली की, ग्वार की फली की, तो अभी और कट करनी है मुझे थोड़ी सी, तो मैंने कर ली है देखी, और हैं इसमें थैली में थोड़ी सी, तो और करूँगी थोड़ी सी कट अभी। और यसु, और यसु के पापा मार्केट में गए हैं शायद, हाँ कुछ काम से, और मैं बाहर ही बैठ गई थी, वैसे तो गर्मी हो रही है, मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, तो चलिए अब ये कर लेती हूँ पूरा काम, और फिर कढ़ी बना लेती हूँ, ठीक है जी। गाइज तो मैं लेट गई हूँ यहाँ पे बिस्तर लगा के, और पतिदेव जी बाहर गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, टाइम हो गया 9:15 या फिर 9:30 ही क्यों ना बज रहे हों, और खाना नहीं खाया अभी हमने, हम दोनों ने नहीं खाया है, और बाकी सब ने खा लिया है, यसु ने भी खा लिया, और पतिदेव जी का इंतज़ार कर रही थी मैं इनका बिना फ़ोन के ही आ जाएँ, लेकिन वो नहीं आए अभी तक, तो मुझे लग रहा है मुझे फ़ोन करना ही पड़ेगा, मैं करना नहीं चाह रही थी, मैं सोच रही थी बिना फ़ोन करे ही आ जाएँ, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता था, लगता मतलब मुझे कि चलो कहीं गए हैं, किसी के पास गए होंगे यार दोस्त के पास, फ़ोन नहीं करते हैं, लेकिन आए नहीं अभी तक, 9:30 बज रहे हैं, तो अभी करूँगी फ़ोन, और इस वीडियो का भी यही एंड कर देती हूँ, जैसी भी बनी है प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छा सा, और आपको जैसी भी लगी वैसा ही कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप जैसा भी मतलब फील हुआ वीडियो में वैसा ही कमेंट कर देना, और मैंने टी शर्ट पहन ली है, सूट मतलब कुर्ती उतार दी है, टी शर्ट डाल लिया है, अभी नाइट में टी शर्ट पहन के सोती हूँ मैं, फिर सुबह उठ करके फिर से पहन लूँगी अपनी कुर्ती ही, तो चलिए। कूलर मैंने एक बार बंद कर दिया, कूलर चला रखा था, फिर मैंने ना बंद कर दिया है, क्योंकि ना फिर आवाज़ नहीं आती, मैंने कहा चलो 1-2 मिनट के लिए आपसे बातें कर लेते हैं, मच्छर हो रहे हैं बहुत बहुत मोटे मोटे, ये मोटे मोटे मच्छर हैं बहुत ज़्यादा ही, तो चलो बाय बाय सभी को, गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाय बाय, लव यू ऑल।